मसाला कंपनी के सेल्समैन ने व्यापारियों पर दर्ज कराया है हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में केस, और उसने कहा कि 40 मिनट तक बेहरमी से उसे पीटा गया और 3.5 लाख रुपए कैश और सोने की चैन व्यापारियों ने छीन ली। हनुमानगढ़ में मसाला कंपनी के प्रतिनिधि से मारपीट मामले में पीड़ित युवक ने जंक्शन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि व्यापारियों ने उसको धोखे से फर्म पर बुलाया और बंधक बनाकर बेहरमी से 40 मिनट मारपीट की। इस दौरान इन लोगों 3,50,000 रुपए सोने की चैन और घड़ी भी छीन ली। पुलिस मारपीट के वीडियो और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में यहां एक और जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है और मौका बनाकर मामले की जाँच में जुटी हुई है। हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह ने बताया कि विशाल कुमार 37 पुत्र राकेश बंसल निवासी बठिंडा पंजाब ने थाने में रिपोर्ट दी है कि और बताया है कि मैं SPK ट्रेडर्स कंपनी रुद्रपुर उत्तराखंड में सेल्समैन पद पर नौकरी करता हूं और मेरा काम राजस्थान पंजाब के सभी जिलों में कंपनी के मसालों के विज्ञापन देना है और फील्ड में जाकर काम करना है। आइए सुनाते हैं आपको कि इस कंपनी के व्यक्ति के द्वारा जो कि जंक्शन थाने में केस भी दर्ज करवा चुका है उसका इस पूरे मामले में क्या कहना है, सुनिए। है बठिंडा पंजाब का रहने वाला हूं, मैं SPK स्पाइसेस कंपनी में काम करता हूं। तो सर मेरा यहां पे मैं 19 तारीख को अब आया था एक किसी को माल देने, पारस करके नाम BM ट्रेडर फर्म है यहां पे, मेरे इम्प्लॉइज थे अबोर से जगदीश भाड़िया, उन्होंने बुलाया कि जा सर यहां पे आ जाइए काम बढ़िया पार्टी में मिल लेने आ। मैं उनको मिलने आया था, वो बोला सर मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, आप एक दो रुक के आ जाइए। फिर हम 22 तारीख को उनके पास आया था और इन्होंने एक लड़का रखवाया मेरे पास विजय सोनीकर गंगानगर से, वो भी वहाँ पे आ गए और मैंने उनको कहने पे उनको पाराजी कहने पे उनको ज्वाइनिंग दे दी। ठीक है, उनके मुंह मांगी, उनको मैंने सैलरी दिलवाई, मैं चलो कहते काम शुरू होगा, धंधा शुरू हो जाए हमारा। बट इन्होंने बोला चलो 1 लाख टोकन डाल देते, विजय सोनी कहने पर टोकन उन्होंने डाल दिए कंपनी में, हमारा SPK ट्रेडर के नाम पर इन्होंने GST अकाउंट पैसा डाला है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने वो जो बोला कि बाकी पेमेंट हम 3-4 दिन रुक के देंगे, तो उन्होंने शुक्रवार मेरे पास फ़ोन किया भैया सोनी जी ने कि आप आ जाइए बाकी पेमेंट करवा लेते हैं। तो मैं शनिवार सर इनके पास आया हूँ, 12 बजे इनके ऑफिस में पहुँचा हूँ, तो इन्होंने लगे आते ही मेरे ऊपर ऐसा लगा लो मारना शुरू कर दिया मुझे बुरी तरह। ठीक है, उसके बाद जब मेरे मामा जी और मेरे भाई मुझे छुड़ाने आए वहाँ पर, तो उसके बाद हम मैंने सीधा आगे अपने सिटी थाने में जो भी है हनुमानगढ़ जी के, तो वहाँ पे आगे FIR करवाई है मैंने, इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पैसे भी छीने गए कुछ? पैसे भी छीने, 3.5 लाख रुपये मेरा कैश था जी, मेरी गोल्ड की चैन छीनी है जी, मेरी घड़ी थी जी, मेरी घड़ी इनके ऑफिस से है, मेरा बैग इनके ऑफिस से बरामद हुआ है जी, मेरे खून की भरी रुमाल इनके ऑफिस से बरामद हुई है जी, बुरी तरह मुझे 12 वीडियो मीडिया लोगों ने बनाई थी, मुझे पीट तो इन्होंने वीडियो बनाया मुझे मेरी बदनामी करने के लिए, मेरी कंपनी की बदनामी करने के लिए। मेरी पिटाई करने वाले थे तो लक्की कवाड़िया जी, एक था जगदीश बाटिया बोहर से, एक विजय सोनी श्री गंगानगर से, एक था केवल कृष्ण श्री गंगानगर से, एक पारस गर्ग हनुमानगढ़ से, और 3-4 बंदे उसके दोस्त थे जो मुझे मारने के लिए वहां बुलाए हुए थे जिनको मैं नहीं जानता जी। वहीं जंक्शन थाने के अंदर मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा इस पूरे मसले पर क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये विशाल सुनो राकेश बंसल निवासी बठिंडा ने कल दर्ज करवाया था ये पारस गर्ग वगैरह के खिलाफ कि मुझे दुकान में बंधक बना करके मारपीट किया और मेरे से पैसे छीन लिए, तो इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया उसका, और तफ्तीश है जो जसवंत हेड कॉन्स्टेबल कर रहा है। पुलिस अधिकारी के द्वारा कहा गया है कि इस मामले की जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मुकदमा दर्ज करवाने वाले शख्स ने यही कहा है कि मेरे पास साथ मारपीट की गई है और चोटों के निशान उन्होंने मीडिया को दिखाते हुए गुहार लगाई है कि जिन लोगों के द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना यही है कि पुलिस के स्तर से जांच करने के बाद इस मामले में आगे क्या क्या और खुलासा पुलिस के द्वारा मारपीट के संबंध में जहां इस केस के संबंध में किया जाता है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।